2020 में 2021 में कॉलेजेस uh, और स्कूल्स ने भी ऑनलाइन अलाउ किया था बट hmm. आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन को टोटली totally स्क्रैप कर दिया है अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जितना ही बेटर है या ऑनलाइन ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा है तो फिर स्कूल्स, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लबासना ये सब ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे समथिंग वेयर ऑफलाइन इज अपर हैंड ठीक है recording आप ले लेंगे लेकिन कई बार, कर ले बार ऐसा होता है अभी शिवानश राठी इस बार के ranker है IAS के उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मैं तीन घंटे की क्लास है मैं उसको पॉज कर करके सुनता हूँ छह घंटे या सात घंटे लग जाते हैं उसमें समझने में मुझे छह घंटे लग जाते हैं

Address the elephant in the room. People believe that you know. Um, post COVID, a lot of institutes are moving towards taking their classes online. So, what is the basic difference between uh, online and offline classes? I think uh, if I talk about major differences between online and offline, so yeah. I should say that offline is something which is real space as well as real time solution. Uh, online, the child is somewhere टीचर कहीं और है तो अगर लाइव क्लास चल रही है तो डेफिनेटली वो एक रियल टाइम सोल्यूशन तो है लेकिन रियल स्पेस सोल्यूशन नहीं है तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो आई कैन से दैट ऑफलाइन इज समथिंग ओरिजिनल और अगर रिकॉर्डिंग्स की बात करें वो तो ना स्पेस रियल स्पेस है ना रियल टाइम है तो ऑफ़लाइन को हम ये मान सकते हैं कि इट इज़ वी कैन कंसिडर इट फार बेटर एक और बात है इसमें रश्मि मैम के क्वेश्चन क्लास में कब पूछना है क्या पूछना है और किस से पूछना है ये हम बच्चे को देख के डिसाइड करते हैं जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है ये चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही पॉसिबल है so, uh, जो हमें समझ आता है online, uh, उसमें ऐसा होता है कि हमारे लिए तो टीचिंग ऑनलाइन इज नॉट समथिंग डिफरेंट क्योंकि हम तो जो ऑफलाइन okay. पढ़ा रहे हैं उसी को लाइव क्लास के तौर पे देते हैं और अगर रिकॉर्डिंग भी करना है तो हमने तो एक बटन ही दबाना है बट बच्चे के लिए यस yes, बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन इसमें देनी पड़ती है uh, उसकी घर पे अगर बैठ के वो क्लास लगा रहे हैं तो अपनी एक अलग तरह की डिस्ट्रेक्शन है क्लास uh, में तो सारा डेकोरम और डिसिप्लिन जो है टीचर मैंटेन कर लेता है बट बच्चा अगर घर पर है क्लास में नहीं है तो ये सब चीज़ें उसको ख़ुद मेनटेन करनी पड़ती है यू एज अ टीचर एमपिटिश और ऑनलाइन क्लासेज समथिंग जो भी थोड़े सालों में ही आपने लेनी शुरू करी होंगी इस ऑनलाइन पोस्ट कोविडिंग विद ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचर एस आई टोल्ड यू की अगर हमारे comfort की बात करें hmm. तो हमने तो जो ऑफलाइन में पढ़ाना है उसी को लाइव करना है ओके okay. और अगर रिकॉर्ड करना है तो जस्ट एक बटन ही दबाना है तो हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ाना कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं है बट हाँ अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि बच्चे को कहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा तो यस ऑफलाइन इज एनी डे बेटर मैं यहाँ पे आपको आ, एक आ, बड़ी अच्छी बुक है साइलेंट मैसेज करके शायद उसका नाम है okay. आ, तो उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियरली एक स्टडी मैंशनड है कि नाइन्टी थ्री परसेंट लगभग जो है हम जो कन्वे करते हैं वो विदाउट वर्ड्स करते हैं जिसमें से 56 परसेंट जब भी हम कोई इंटरेक्शन करते हैं या पढ़ाते हैं तो 56 परसेंट सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता है okay. अब ऑनलाइन अगर बच्चा बैठा हुआ है वो तो टीचर को दिखाई नहीं दे रहा वो तो कहीं और है तो ये फिफ्टी परसेंट परसेंट जो है माइनस हो जाता है which, which gives advantage to offline आर टीम हैपन टू गो टू थ्री बी टू मोहाली की बहुत फेमस मार्केट है एंड वी इंटरेक्टेड विद अ लॉर्ड ऑफ यंगस्टर्स देयर और हमने उनसे पूछा बहुत ही प्योर रॉ फॉर्म में कि भाई ऑनलाइन बेटर है ऑफ़लाइन बेटर है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि भाई बड़ा मज़ा आता है ऑनलाइन क्लास में हम लोग जब मर्जी क्लास लगाते हैं अपनी कंफर्ट से लगाते हैं और जो हमें फील हुआ आई थिंक अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी कैजल वेन इट कम्स टू ऑनलाइन क्लासेस Have you observed that? Second, you know, बहुत सारे बच्चों में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरक्ट विदर्स नोट इज एक्ल रहा है कितनी सही बात है ये देखिए मज़ा आता है वो एक अलग बात है क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि बहुत कैजुअल हाँ. जो है बच्चे अप्रोच है, रखते हैं ऑनलाइन को लेके कि आराम से ठंड है तो रजाही में बैठ गए और क्लास लगाना शुरू कर दिया कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हो कुछ आधे पौने घंटे की क्लास हो तो ये चीज़ें चल सकती हैं बट यू जैसा एक बड़ा कोर्स जिधर एवरी डे क्लासेज जो हैं वो फोर टू सिक्स आवर्स हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन कैसे लगाएंगे अगर आप सिक्स आवर्स आपका फोर आवर्स आपका स्क्रीन टाइम होगा तो आपकी आइज़ की आइज़ के इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे सेकेंडली आप अंडरस्टैंडिंग आप फोकस को कैसे बरकरार रखेंगे इतने लंबे समय के लिए तो यूपीएससी डिमांड समथिंग एल्स ऑल्सो मोर ओवर ऑनलाइन में जब बच्चा क्लास लगाता है तो वही कैजुअल एटीट्यूड जब वो कैजुअल एटीट्यूड है तो वो बिहेवियरल डेवलपमेंट नहीं होने देता हुँ. है बच्चा क्लास से आ रहा है तैयार होके आ रहा है हुँ. लोगों के साथ बैठ के क्लास लगा रहा है तो उसको बिहेवियरल डेवलपमेंट होता है मैंने अपने साथ वाले के साथ कैसे बिहेवियर कैसा बिहेव करना है टीचर के साथ कैसा बिहेव करना है रास्ते में कैसा बिहेव करना है और यहां तक यूपीएससी का सवाल है तो यूपीएससी में अगर मैं बात करूँ तो टू सेवेंटी फाइव मार्क्स की इंटरव्यू और जीएस फोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का जो पेपर है इनमें आपकी बिहेवियरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूँ तो अबाउट फोर हंड्रेड मार्क्स बन जाते हैं जो आपके बिहेवियर से ही आपको मिलते हैं जो बिहेवियर ड्रिवन है हुँ. तो ऑनलाइन क्लासेस में ये चीजें अगर कैजुअल एटीट्यूड रहेगा तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी तो मैं फिर से आपकी बात में से ही डिराइव करूँगा आंसर कि इन दैट केस ऑनलाइन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑफलाइन एज़ फार एज़ यू प्रिपरेशन इज़ कंसर्न अच्छा एक और बात है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा अगर सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है तो आई पास होने के बाद यू पास होने के बाद आप बच्चों को लबासना क्यों बुलाते हो ट्रेनिंग देने के लिए घर में बिठा के ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे दो ना It means, it means there is something where offline is upper hand. So, uh, what do you think, if a us is in remote and uh, taking an online class is the only option for that kid, and, it, and that kid is supposedly somebody who really is invested in cracking the UPSC. In that case, uh, how do you think, इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी हार्ड टू डू टाइम मैनेजमेंट बिकॉज जब आप रोज आ, आ रहे हैं पढ़ने क्लासेज लगाने आ रहे हैं तो यू आर एबल टू मैनेजर टाइम इन अ वेरी डिफरेंट वे बट कोई जो घर पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करे मैम टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा जो आपने रिमोट एरिया की बात करी है हुँ। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो उसमें भी ये मैंशनड है कि हमें ओवरऑल एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टूल्स का सहारा लेना है और हम इससे अग्री भी करते हैं हम ऑनलाइन को डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं वी आर नॉट कि ऑनलाइन इज नॉट एट ऑल यूजफुल और इट इज यूजलेस अगर आप अपना डेकोरम डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शन आप थ्री डी फॉर्मूला ऐसे बोल सकते हैं डेकोरम डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शन इनको अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं अपने घर पे। और कनेक्टिविटी अच्छी है आप रिमोट एरिया में हैं लेकिन वहाँ कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं आती hmm. तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं बशर्ते आप थ्री खुद से अच्छे से मैनेज करें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रैक्शन से सर uh, आपको बहुत टाइम हो गया ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए सो so, hmm. मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया hmm. जब कोई ऑनलाइन क्लास लेता है तो क्या डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत सी डिस्ट्रेक्शन होती हैं हमारा कई बार बच्चों का माइक जो है वो ऑन रह जाता है तो हमें hmm. क्लास में बहुत कुछ सुनने को मिलता है तो hmm. हमारी क्लास का एक रूल है बच्चे okay. भी और टीचर भी अगर माइक ऑन रहेगा तो हम बताते नहीं है कि तुम्हारा तो हमें कुछ तक कुछ सुनने को मिल जाता है। तो hmm. ऐसा भी हुआ है कि बच्चा क्लास लगा रहा है और उसकी मदर बोल रही है कि धोने वाले कपड़े दे, दे। <laughs> okay. hmm. बाहर से दूध उठा ला सब्जी वाला आ गया उसको रोक ले ये सब हमने सुना है ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हमने सुना है और एक बार तो एक बच्चा सो भी रहा था वो खराटों की आवाज़ भी हमारे पास रिकॉर्डेड है तो काफ़ी कुछ है जो हमने इन्जॉय भी किया है और हम बच्चों को बताते भी हैं कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखें डिस्ट्रेक्शन को खुद कहीं ना कहीं आप जो है टैकल करें देन यू कैन डू करेंट सो एज वी डिस्कस इविड प्री कोविड इट फॉर ग्रांड मतलब लोग बहुत इस चीज़ को लेते थे कि अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप तो क्या ही काम कर रहे हो गए और ऑनलाइन क्लास का प्री कोविड तो आई डोंट थिंक सो रखी होगी ऐसा था नहीं मैंने आपको जो बताया कि हाँ? एक तो घर से काम कर रहा है तो हाँ? वही डेकोरम का इशू आ जाता है, why, uh, के, uh, नहीं है तो लोगों को लगता है घर से काम कर रहा है तो वो काम ही नहीं कर रहा है वर्क फ्रॉम होम जो है धीरे धीरे जो है वो स्क्रैप हो रहा है सेम इज स्टूडेंट्स ऑल्सो आपने देखा होगा कि ट्वेंटी 20 में टू थाउजेंड ट्वेंटी में टू थाउजेंड uh, और स्कूल्स ने भी ऑनलाइन अलाउ किया था बट आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन को टोटली totally स्क्रैप कर दिया है फिर से मैं अपनी बात को इसी चीज से सपोर्ट करूंगा कि अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जितना ही बेटर है तो या ऑनलाइन ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा है तो फिर स्कूल्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लबासना ये सब ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे क्यों क्योंकि इशू वही डिसिप्लिन और डेकोरम का आ जाता है अगर सिर्फ ऑनलाइन में हम सारी एजुकेशन में पार्ट कर देंगे तो फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाने की जरूरत क्या है बिहेवियरल डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन डेकोरम एंड टैकलिंग द डिस्ट्रेक्शन तो यही है आ,

कई बार ऐसा होता है अभी शिवांश राठी इस बार के रैंकर हैं आई के उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मैं दो घंटे की रिकॉर्डिंग अगर कहीं से ले भी लेता था तो उसको पॉज कर करके कर वॉच करने में और समझने में मुझे छः घंटे लग जाते थे तो इन दैट केस आप उस चीज़ को उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे अगर रिकॉर्डिंग की ही बात करनी है तो किताब भी तो एक रिकॉर्डिंग ही है जो बुक है उसमें किसी ने अपने विचार रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड कर रखे हैं तो hmm. हम बुक पढ़ के भी तो रिकॉर्डेड वर्जन को ही फॉलो कर रहे हैं वो भी तो एक काइंड kind ऑफ of, अब रिकॉर्डिंग को ही फॉलो कर रहे हैं तो ये ठीक है एक बिजनेस मॉडल बन के सामने आया है hmm. तो इन इनशल आई कैन से रिकॉर्डिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग ऑनलाइन लाइव इज बेटर देन रिकॉर्डिंग ऑफलाइन कैन बी कंसिडर्ड एज बेटर देन ऑनलाइन लाइव द बेस्ट यस आई कैन से हाइब्रिड मॉडल इज द बेस्ट आप ऑफलाइन में क्लासेस लगाएं कभी आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन में लाइव क्लास लगा सकते हैं उसमें भी कभी पॉसिबल ना हो हुँ. तो ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स डोंट डू नॉट मेक इट अ हैबिट तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग डिपेंडेंट होना है तो आप बुक डिपेंडेंट हो जाए या यूट्यूब डिपेंडेंट हो जाए वो भी बेटर है तो फाइनली आई वुड लाइक टू एड के दिखावे पर ना जाओ पढ़ना है तो क्लास में आओ क्लास में आओ ठीक है सर आजकल के बच्चों में और पहले के जब वेन यू योर करियर वैन यू एंटर्ड कि मैंने अब आई ए एस की तैयारी हैड यूट फर्स्ट बैच द सक्सेसफुल बैच जिसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट आए उन बच्चों में और आज के बच्चों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है सो मेनी डिस्ट्रैक्शन व्हाट इज द डिफरेंस यू सी मैम मैं पर्सनली ऑब्जर्वेशन hmm. जो मेरी हैं hmm. उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ये लोगों को लगता है कि तब में और अब में फर्क है सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरेक्शन तो उसमें ये नहीं हम कह सकते हैं कि बिहेवियर को बहुत ज्यादा बदल दिया आज भी बच्चे रिस्पेक्टफुल हैं आज भी बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे करते हैं तकरीबन सारे करते हैं मेरे नोटिस में नहीं है कोई जो नहीं करते हैं अगर कोई है आज है तो वो पहले भी होते थे तो एज सच बिहेवियरल शिफ्ट में नहीं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा कुछ आया है हाँ आज के बच्चों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है।, है वो उनका एक प्लस पॉइंट है एक बेनिफिट है कि वो इमीडिएटली नेट को यूज करके पढ़ाई को अगर करें तो कर सकते हैं लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो रॉन्ग कंटेंट को भी उतने ही ज्यादा एक्सपोज है कोई भी यूट्यूब पे उसने वीडियो देखा वो ओन नहीं करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूट्यूब ओन नहीं करता कि ये सही है गलत है तो बहुत से लोग गलत वीडियो बना के भी डाल रहे हैं नेट के ऊपर बच्चे वो भी देख रहे हैं फैक्चुअल मिस्टेक्स होती हैं हमने ये देखा है अब बनाने वाले की गलती नहीं है फंबलिंग हो जाती है कभी तो एज सच हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का बेनिफिट है एक्सपोजर बढ़ा है लेकिन वो एक्सपोजर नेगेटिव की तरफ भी बढ़ा है वहां पे फिर से वही थ्री आ गया डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना डेकोरम को मेंटेन करना डिसिप्लिन में रहना hmm. अगर थ्री डी मेंटेन्ड है तो सोशल मीडिया मेंटेन्ड है लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है माइंड मैनेज करिए वंस माइंड इज मैनेज टाइम विल ऑटोमेटिकली भी मैनेज थिंग इज ओनली द प्रॉब्लम इज माइंड में जो क्लटर भरा जा रहा है वो डिस्ट्रैक्शन है उसको रोकना जरूरी है तो सर अगर एक बच्चा आज की डेट में आई की मतलब यू नो उसने अपना एम बना लिया कि मुझे आई यूपीएससी क्रैक करना है एंड वो आपके पास रोनाचारे पे आता है तो व्हाट उसका एक एक आइडियल बच्चे का जो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि पहले साल में क्रैक कर ले यू पी उसको उसके लिए क्या वॉट विल बी वॉट शुड द डे लुक लाइक फॉर डैट किड देखिए सिंपल रूल है सबसे पहले तो आइडियल किड की डेफिनेशन कुछ है नहीं आइडियल okay. किड हम किसको कहें आइडियल तो उसको बनना है कोशिश करनी है बनने की वो बन पाता है या नहीं बन पाता है वो देखिए दिन में आवर्स है इसको आठ आठ घंटे के तीन हिस्सों में डिवाइड करें आठ घंटे उसके रेस्ट के हो गए आठ घंटे उसके पढ़ाई के हो गए आठ घंटे उसके अदर थिंग्स के हो गए धीरे धीरे उसको क्या करना है जो अदर थिंग्स वाले आठ घंटे हैं उनको निकाल के पढ़ाई वालों में डालना है अच्छा एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये आठ के आठ ही पढ़ाई में आ जाएंगे ऐसा भी आएगा यूपीएससी की तैयारी में लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है स्लोली उसको ये अपने आप को नर्चर करना होगा और नींद वाले ना सेक्रीफाइस करें रेस्ट वाले न सेक्रीफाइस करें अदर थिंग्स वाले सेक्रीफाइस करें एक और इसका सिंपल सा रूल है अगर कम घंटे भी पढ़ते हो तो चलेगा सोचना और कुछ नहीं जो भी यूपीएससी में पढ़ा और जो भी देख रहे हो आसपास उसको रिलेट करो माइंड में वही चीज़ें चलती रहें ऑटो रिविजन पर माइंड लगा रहे कुछ बच्चे आगे बोलते हैं सर मैं पढ़ता तो हूँ मुझे चीज़ें भूल जाती हैं तो मेरा सवाल होता है कब भूल जाती हैं मैं जब याद करने की कोशिश करता हूँ तो इट मींस योर माइंड इज़ ऑन ऑटो रिविजन ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये बहुत पॉजिटिव बात है तो अगर कोई एक बच्चा आज की डेट में द्रोनाचार्य आई एस इंस्टीट्यूट आता है फॉर क्रैकिंग यू पी एस सी सो वॉट आर हिज ऑप्शन वो कब क्लास लगा सकता है सी वी वर्क फ्रॉम एट टू एट तो ऑफिस ओपन हो जाता है मॉर्निंग एट ओ क्लॉक बैचेस स्टार्ट होते नाइन थर्टी पे मॉर्निंग बैचेस नाइन थर्टी टू वन थर्टी आफ्टर दैट ऑप्शनल क्लासेस टू टू फोर देन इवनिंग बैचेस स्टार्ट एट फोर इवनिंग वाले बच्चों के पास टाइमिंग की दो ऑप्शन हैं ओके आयदर दे कैन कम फ्रॉम फोर फिफ्टीन टू सेवन और अनदर बैच अनदर टाइमिंग ऑप्शन दैट इज फाइव थर्टी टू एट सो दीज आर ऑल टाइमिंग्स अगर आप रेगुलर में नहीं आ सकते हैं तो वीकेंड बैचेज भी हैं सैटरडे संडे टेन टू फोर सो यू हैव ओवर ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो एक ऐसी एक तो चलो बहुत कम हो गया मतलब इतने सारे सक्सेसफुल बच्चे आपने देखे हैं इस इंस्टीट्यूट से निकलते हुए यू हैव अ वेरी गुड रैक रिकॉर्ड सो व्हाट इज़ दैट थ्री क्वालिटीज़ और मैं मतलब ये वो वाली क्वालिटी नहीं कि ऑब्वियसली हमें पता डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए रोज़ पढ़ना पड़ेगा बट स्टिल एक होता ना कि आपने पर्सनली जो इतने सालों में देखा है कि यार ये क्वालिटी होनी चाहिए एक बच्चे ओके okay. इसको मैम मैं रिलेट कहीं और करूंगा एक क्वालिटी है आई एस या कुछ भी और वो है नेवर गिव अप कीप इम्प्रूविंग इस टैगलाइन को अगर आप अपनी लाइफ की टैगलाइन बना लेते हैं तो कहीं भी सक्सेस मिलेगा आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन हॉकी हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं हॉकी में ऐसा भी देखा है कि क्वालिफाई नहीं हुए ओलंपिक्स के लिए ऐसा भी देखा है कि इलेवन टीम्स इलेवेंथ पे हम हैं

ये सच्चे करना पड़ता है देखो जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी से एक्सपेक्ट करते हो जो इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी से एक्सपेक्ट करते हो वो क्वालिटीज ही हमें एस्पिरेंट में चाहिए आप चाहते हो कि आपके जिले का डीसी सन्यासी हो नहीं आप चाहते हो इस देश का कैबिनेट सेक्रेटरी सन्यासी हो तो फिर कैंडिडेट को भी सन्यासी नहीं बनना इट इज नॉट अबाउट इट इज नॉट अबाउट लीविंग लिविंग वर्ल्ड इट इज अबाउट नोइंग अबाउट वर्ल्ड मोर एंड मोर एंड इन अ बेटर वे अंडरस्टैंडिंग दी वर्ल्ड एंड लाइफ इन अ बेटर हुई ये क्यों सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं जी एस में इतने सारे जो हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह आज ये सब्जेक्ट्स हैं कल क्या होंगे डायमेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको एक बेटर सिटीजन बनाएगी तो बेटर सिटीजन ही बेटर आई एस बनेगा थिंग्स आर वेरी सिंपल रश्मि मैम बट वी कोचिंग सेंटर्स पर हैव हैम फॉर दी स्टूडेंट्स एड होता है ना कि कोलेस्ट्रोल बढ़ गया वो बच्चा गया डॉक्टर के पास कोई सॉरी बच्चा नहीं कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास तो वो कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है वो ऐसी शक्ल बनाएगा कि तू तो बस मरने वाला है वही सिंपल बात है अगर वो बैडमिंटन खेलेगा रनिंग करेगा थोड़ा वेट को मेंटेन करेगा तो कम हो जाएगा तो सिंपली अगर आप इस कंट्री को अच्छे से समझ लेंगे इस कंट्री की हिस्ट्री कंट्री की इकोनमी पॉलिटी इंडियन जोग्राफी इवन इट्स रिलेशन टू वर्ल्ड अफेयर्स तो आपकी आई की तैयारी आप एक अच्छे सिटीजन बन जाएंगे अच्छे से आई की तैयारी हो जाएगी और इजीली यू विल क्रैक दी एग्जाम द ओनली थिंग इज कि हम अपनी प्रिपरेशन को मैकेनाइज बहुत कर रहे हैं और उस मैकेनाइजेशन के चक्कर में हम ह्यूमैनिटी और ह्यूमन वैल्यूज को पीछे जोड़ रहे हैं जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम फोन पे ज़्यादा स्मार्टफोन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी प्रेपरेशन के लिए भी इवन और ह्यूमन माइंड पे कम होंगे माइंड शुड बी स्मार्ट उसको स्मार्ट बनाने के लिए इंटेलिजेंट बनाने के लिए सारी प्रिपरेशन है मार्केटिंग दिस थिंग रश्मि द्रोणाचार्य आई एस जो है प्योरली इज प्योरली रन बाय अकेडमि हम आप बिलीव नहीं करोगे हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारे पास मार्केटिंग hmm. का एक बंदा भी नहीं है देर इज नो सर उसके बिना कैसे चलता है नहीं हम करते नहीं है वर्ड ऑफ माउथ चलता है इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ हार्ड कोर एकेडमिक्स हार्ड कोर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम उसी के ऊपर बेस्ड हैं थिंग्स आर वेरी सिंपल मैम इतनी ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है देखो बच्चे ने पढ़ना है हमने पढ़ाना है वेरी सिंपल थिंग्स पढ़ो हम पढ़ाएंगे दैट्स इट हमारे यहाँ पे नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एट ऑल और वी आर नॉट ड्रिवन बाय दैट टोटली हार्डकोर सो इफ यू यू कमिंग टू कैन गेट टीचर्स एनी टाइम बट नोबडी फ्रॉम देयर ऑल द अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय टीचर्स यू विल फाइंड टीचर्स एवरीवेयर इनसाइड साइड क्लास आउटसाइड क्लास ठीक है सर दिखावे पर न जाओ पढ़ना है तो क्लास में आओ